हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज गाइज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 125 हो या 110 हो, इन सभी स्कूटी का इंजन के बारे में डिटेल के साथ। गाइज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो में गाइज मैं पूरा बताऊंगा डिटेल के साथ इसका टाइमिंग के बारे में, पिस्टन बेयरिंग किस तरह फिटिंग करना, उन सभी चीज़ों के बारे में बारीक बारीक से आप लोगों को समझाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल में पहली बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो इस तरह आपको डेली मेरे चैनल से मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते, आप लोग को एक्सप्लेन करते डिटेल के साथ। तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारा समय मीटर आप लोगों को मैं दिखाया, तो चलिए इधर का आप काम का शुरू करते हैं। रॉल पिन का होना बहुत जरूरी है, रॉल पिन का लगाए मैं, रॉल पिन मेरा दोनों लगा हुआ है। और इंजन जब भी आप लोग इंजन करें साफ सफाई होना जरूरी है। आप लोगों को मैंने दिखाया कि साफ सफाई मैंने किस तरह इंजन को रखा है। साफ सफाई का अगर किस जगह इंजन का लाइफ ज़्यादा नहीं मिलेगा, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। अगर साफ सफाई नहीं किस जगह तो जितना भी जेन्युइन पार्ट डाल लीजिए, साफ सफाई के बिना कुछ अधूरा होता है सब कुछ। तो बता दो है, इस वीडियो से वॉइस ओवर कर रहा हूँ लेकिन मेरा आवाज़ के साथ मेरा काम मैच ना करे इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए मैं पैकिंग में डाल लिया, अब चलिए अच्छा से पैकिंग को बिठा लिया और कोशिश करें कि ज़्यादा पर बॉन्ड का यूज़ ना करे, इस ज़्यादा पर बॉन्ड का यूज़ ना करे, पैकिंग जेन्युइन पैकिंग यूज़ करे। अगर साफ़ सफाई किस जगह, अच्छा से पैकिंग को साफ किस जगह, तो बिना बॉन्ड का भी गैस कुछ दिक्कत होगा नहीं। कहें कि अगर सफाई अच्छा से किस जगह तो 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो पिस्टन वाइज रिंग किस तरह फिटिंग करना है मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसका पिस्टन किस तरह फिटिंग करना आप लोग बता दो, जो हम लोग का बड़ा कटा हुआ है ना उसको रखना कार्बोरेटर साइड, आई इन जो लिखा हुआ हम लोग होता है उसको रखना कार्बोरेटर साइड। साथ ही साथ हम लोग का छोटा जो कटा हुआ रहता है पिस्टन रखना होगा वेल, मतलब जो सिलेंसर एग्जॉस्ट साइड मेरा गजन पिन, इसको हम लोग रुबिकन कर लेंगे। और रुबिकन हर चीज़ को रुबिकन करके लगाए, जब भी कोई फिटिंग करे वेल फिटिंग करे या वेल का सील फिटिंग करे, सब चीज़ को रुबिकन करके लगाए। तो चलिए मैं पिस्टन को करेंग में लगाता हूँ और आप लोग को इसका प्रोसेस को बताता हूँ डिटेल के साथ। तो चलिए उधर जाता हूँ मैं, और सिंगल भी हो से दिक्कत होता है उसको वीडियो शूट करना, कहीं मोबाइल ट्रैपोड में लगा कर सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ, मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग को अच्छा से समझ में आए। और लॉक को जब बिठाते समय कुछ ध्यान रखिए, कपड़ा वगैरह यूज़ कर ले। काफ़ी समय से होता है कि अगर कपड़ा यूज़ नहीं कीजिएगा दोस्तों तो हम लोग का लॉक नीचे गिरने का चांस रहता है। तो चलिए मैं इधर का लॉक लगा लिया मैंने, तो अब इसका मैंने रुब्रिकिंग कर लिया पिस्टन को भी या सिलेंडर को भी थोड़ा रुब्रिकिंग करने का। और कोशिश करें कि जेन्युइन वो इंजन ऑयल यूज करने का, और ओरिजिनल यूज करने का है, मतलब नया ऑयल यूज करने का है। तो डॉल्फिन का मैंने ध्यान दे के रखा है, डॉल्फिन लगा दिया है मैंने। अब चले सिलेंडर को इसमें उतने तरीके से इसी तरीके से लगाएंगे, गाइड का भी ध्यान दे, कभी कभी गाइड होता है ना, काफ़ी सारा भाई गाइड का ध्यान नहीं देते हैं और ताकत से कोशिश करते सिलेंडर को अंदर ले जाने का, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे तभी पता लगा स्क्रू ड्राइवर पच के समय से इजीली अंदर जाएगा सिलेंडर, कुछ टफ काम नहीं है, इजीली चल जाएगा। मैं किस तरह आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, टेंशन को ध्यान रखें। टेंशन में कभी कभी होता है हम लोग टाइम में, टेंशन में गेट जो गाइड होता है लग जाता है उसमें दिक्कत करता है, बट इस तरह गाइड को ध्यान देकर लगाइए, 100% ईजिली चल जाएगा। तो मेरा जा चुका है टाइम इंजन, मैंने ऊपर उठा लिया है। अब चलिए मैं प्लस के माइनस से मैं थोड़ा टाइम जगह होल्ड भी कर लिया, इजीली इसमें तरीके से पिस्टन अंदर चल जाएगा। मेरा पिस्टन अंदर जा चुका है दोस्तों, मैं थोड़ा दाब के दिखाया आप लोग को, पिस्टन में अंदर जा चुका है। टाइम इंजन को इस तरह पकड़ के आप इजीली पिस्टन का अंदर धक्का दीजिए, इजीली चल जाएगा पिस्टन। आप कोशिश करें कि अगर हैम्बर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक हैम्बर यूज़ करें, अगर आपको लग रहा नहीं बैठा डॉल्फिन के साथ तो इस जगह पर आप प्लास्टिक हैम्बर का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ देख सकते हैं प्लास्टिक हैम्बर का। इस तरह होता है ना कभी डॉल्फिन देखने में टाइम लगता है, बट प्लास्टिक हैम्बर यूज़ करें, हॉल हैम्बर यूज़ ना करें। तो चलिए अब इधर का मेरा काम कम्प्लीट, सफाई का काम करना बहुत जरूरी है, कोई भी इंजन बात है सफाई बहुत जरूरी है। सफाई की अच्छा से तभी आपको इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप लोग को वीडियो बने रहिए, आप लोग को इस तरह तरीका बताऊंगा टाइम लेने का, सबसे अच्छा आसान तरीका बताऊंगा। कुछ है तो आप लोग को मैगनेट इंसान देखना, किसी तरह इंसान नहीं देखना, इस तरह टाइमिंग का तरीका आप लोग बताऊँगा। तो अब चलिए डॉल्फिन लगाते हैं, डॉल्फिन का होना बहुत जरूरी है। डॉल्फिन नहीं दीजिएगा तो उसमें सही से हेड बैठेगा नहीं, बाद में गैस वेल्डिंग का समस्या बनेगा, हेड गैस के बढ़ने की समस्या बन सकता है, इस तरह काफ़ी सारी दिक्कत हो सकता है। तो टाइम इंजन गाइड लगाएंगे हम लोग, गाइड मैंने लगा लिया देख सकते हैं। तो वह सफर कर रहा वीडियो दोस्तों, इसलिए थोड़ा मेरा काम के समय आवाज़ मैच ना करे, इसलिए आप लोग थोड़ा टेंशन मत ले, मैनेज कर लीजिए इतना। मैं जिस तरह आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट कीजिए और आप लोग का रिप्लाई मैं 100% देता हूँ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें बार दिख रहा हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, इस इंस्टाग्राम में मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए, आई एम के ब्लॉग्स के नाम पर इंस्टाग्राम का आईडी है। तो एक बार टाइम चेंग इस पर यहीं पर हम लोग लगा देंगे, कहीं टाइम मिलने का झंझट खत्म।
हम लोग स्कूटी में गए, इसमें मैगनेट में निशान वाला ऐसा से पहचान में नहीं आता है। तो आप जब भी स्कूटी के इंजन में इस तरह टाइमिंग कर ले, पिस्टन टॉप पर रखकर हम लोग 1 2 लिखा हुआ उसको बराबर लग के, निशान बराबर लग के जो लिखा हुआ पर्सन उसको ऊपर रख, इस तरह इजीली टाइमिंग मान सकते हैं, इजीली टाइमिंग मान सकते हैं, कुछ झमेला नहीं है। सिंपल तरीका ही ये आसान तरीका टाइमिंग लेने का, मैं हर बाइक में इस तरह टाइम मानता हूँ, कोई भी स्कूटी नहीं है, ऑल बाइक। जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हम लोग को बताए, कोई भी इंजन बिल्डिंग बुरा बोर्ड इस तरह में टाइमिंग करता हूँ। इस तरह टाइमिंग करने से हम लोग का सारा जो डाउट होता है क्लियर हो जाता है, टाइमिंग के बारे में, हम लोग पिस्टन के बारे में सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाता है। इस तरह टाइमिंग कर 100% रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए मैं इस तरह डालता हूँ, और थोड़ा सा टफ होगा लेकिन बट इजी चल जाएगा, आप इस पोवर को इजीली जल्दी लगा दे। इस तरह मैं आपको वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छा सा आ जाए, इसलिए वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब चलिए सारा मैं नट बोल्ट और टाइट करता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ सारा नट टाइट करने के बाद। चलिए फटाफट मैं सारे स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोग को इसका एक्सप्लेन जो करना हो तो फिर आप लोग करता हूँ, किस तरह टाइमिंग लेना है, किस तरह सब कुछ करना है। आप लोग को वीडियो बने रही लास्ट तक, बहुत ही हेल्पफुल बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ उसको। चलिए मैं सारा अच्छा टाटो कर लिया, टेंशन ले रहा है इसमें अपन कर लिया। अब इस तरह के इजिली लग गया उसमें, मैंने आप लोग को दिखाया कुछ झमेला नहीं टाइमिंग लेने का, इजिली लग गया। इस तरह किसी 100% टाइमिंग लेने का सही तरीका है, बेस्ट तरीका है, कुछ झमेला नहीं है। अगर इस जगह पर बाद में टाइमिंग करते हैं पिस्टन आपको प्लग डाल के प्लग में पैसे ज़्यादा देखना पड़ता है, पिस्टन टॉप में है कि नहीं मिनट में देखना पड़ता है, कुछ हमला नहीं है। सिंपल तरीके से टाइमिंग कीजिए, इस तरह कोई बाइक और बाइक टाइमिंग कर सकते हैं, इस तरह पिस्टन टॉप में रखकर इस तरह टाइमिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं दल का नट बोल्ट सारा लगा दिया। अगर गाइस इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल का दोस्तों इस तरह बाइक हो या स्कूटर हो या रॉयल एनफील्ड हो, सभी तरह का जानकारी का मैं लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। टाइफिट का सेटिंग किस तरह करना आप लोग बता दूँ, टाइफिट रखना है 0 पॉइंट, मतलब इंटेक और एग्जॉस्ट, इंटेक साइड रखना है उसको कार्बोरेटर साइड, उस रखना है 0.5 mm, ध्यान रखें 0.5 mm इंटेक, और एग्जॉस्ट को रखना है 0.6 mm, तो एग्जॉस्ट साइड में हीट होने के कारण उसको थोड़ा लूज ज़्यादा रखना है 0.6 0.5। इस तरह टाइफिट रखें 100% इंजन का साउंड क्वालिटी बेहतर से बेहतर निकलेगा, और टाइमिंग चलने वाला सही से फिटिंग करें, इंजन का साउंड क्वालिटी मस्त और मजा तरीके से चलने के लगा, इस तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अच्छा जानकारी लगा तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, और किस टाइम किस तारीख फिटिंग करना डिस्क्रिप्शन।